हेलो फ्रेंड्स, जय कविथम किताब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च की एकदम नई रेसिपी, भरवा वाली शिमला मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यमी यमी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले बनाएंगे। तो मसाले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ी सी मेथी के पत्ते को बारीक कट कर लिया है, 2 छोटी हरी मिर्च ली है जिसे बारीक बारीक कट कर लेंगे, थोड़े से धनिया पत्ते लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे प्याज लिए जिसे एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं। तो चलिए अब हम मसाले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, इसे हम गर्म कर लेंगे। इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे, यहाँ पे मैंने सोयाबीन ऑयल डाला है, आप यहाँ पे कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों, दोनों को अच्छे से तड़का लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने बारीक कट करके प्याज रखे थे वो ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च उसे भी ऐड कर देंगे। अब हमें प्याज को ब्राउन होते तक अच्छे से पका लेना है। तो मिलते हैं प्याज को ब्राउन होने के बाद। आप देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्रोजन वाले हरे मटर डालेंगे। अगर आपके पास हरे मटर हैं तो आप उसे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते थे उसे ऐड किया है, 1 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सभी को मिला करके अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून करके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें जो उबले हुए आलू थे उसे मैश करके ऐड कर देंगे। हमें फ्लेम को इसमें मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना है, अदरवाइज हमारे मसाले जल जाएंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो कट करके धनिया पत्ती रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से मैश करते हुए हमें इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा आलू का मसाला बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे शिमला मिर्च में स्टफ करना होगा। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 शिमला मिर्च लिए हैं और जो आलू के मसाले बनाए थे उसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को अच्छे से धो कर के ले लिया है। शिमला मिर्च के ऊपर का जो पार्ट है वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और सारे बीज को निकाल देंगे। इसके बीज निकालना बहुत आसान है, इसे आप चम्मच से पूरी तरह से अच्छे से साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अंदर से खाली हो चुका है, हमें इसी में स्टफिंग करना है। इसी तरह से बाकी के भी शिमला मिर्च को साफ करके ले लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाई है उसे चम्मच की सहायता से शिमला मिर्च के अंदर अच्छे से फिल कर लेंगे। हमें अच्छे से मसालों को दबा दबा के इसमें अच्छे से भरना है, बीच में एक भी खाली स्पेस नहीं होना चाहिए। आप इसे अच्छे से प्रेस करके भर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे शिमला मिर्च में मसाले अच्छी तरह से ऊपर तक भर चुके हैं। इसी तरह से हमें बाकी के शिमला मिर्च को भी फिल करके ले लेना है। मैं एक और फिल करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सभी शिमला मिर्च अच्छे से भर चुके हैं। अब हम हमारे सभी शिमला मिर्च को बीच से कट कर लेंगे। हर शिमला मिर्च को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको भी इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है।
सभी शिमला मिर्च को हम कट कर लेंगे। अब हम हमारे सभी शिमला मिर्च को तवा फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच तेल ऐड कर दिया है। तेल को हम तवे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब तवे में एक एक करके शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं सभी शिमला मिर्च ऐड हो चुके हैं। अब हम तवे में थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे जिससे हमारे तेल सभी शिमला मिर्च में लग जाएंगे। 5 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे एक साइड से अच्छे से पकने देना है। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, इसे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। इसी तरह से हमें शिमला मिर्च को दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। हमें तवे को ऐसे ही हिलाते हुए अच्छे से तेल को सभी तरफ फैला लेना है। शिमला मिर्च को दोनों तरफ से 5-5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। शिमला मिर्च के साइड का जो पार्ट है हम उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा बेंड करके फ्राई किया है। आपको यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखनी है, अदरवाइज ये जल जाएंगे। आप देख सकते हैं साइड से ये अच्छी तरह से पूरी पक चुके हैं। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसे ठंडा होने के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे। हमारा भरवा शिमला मिर्च खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसके लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से धनिया पत्ती डाले हैं, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, लंच में, डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।